देखो, गलत काम करके भी पैसे कमाए जाते हैं और अच्छे कार्य करके भी पैसे प्राप्त किए जा सकते हैं, लेकिन दोनों में फर्क इतना है कि अधर्म के द्वारा जो कमाया गया धन है वो हमारे घर में शांति नहीं लाता है, उपद्रव करता है, अशांत वातावरण। लेकिन जो सत्य के मार्ग पर ईमानदारी से, मेहनत से जो पैसा घर में आता है वह सुख भी देता है और शांति भी देता है। बाकी पैसा कमाना तो अधर्म से भी कमाया जा सकता है, गलत कार्य से भी कमाया जा सकता है, लेकिन फर्क इतना है कि शुभ मार्ग से जो पैसा आता है वह लक्ष्मी रूप होता है और वो हमारे घर में शांति का संचार करता है। तो मानो हनुमान जी का यही एक पहला प्रश्न होता है राम दर्शन करने वाले साधक को कि क्या तुम्हारा आचरण सत्य है। सत्य बोलना यह अलग बात है, लेकिन वह सत्य मीठा हो यह बोलना यह अलग बात है। कई लोग सत्य बोल तो देते हैं लेकिन उनका सत्य बड़ा कड़वा होता है, वो सीधे जहर का काम करता है। रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने लिखा कि सत्य भी बोलना चाहिए तो ये विचार कर कि क्या ये सत्य सामने वाले को प्रसन्न करेगा। कहीं सत्य प्रिय बचन विचारी, कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी, जागत सोवत शरण तुम्हारी, कहीं सत्य कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी, कहीं सत्य प्रिय वचन विचारी। सत्य बोलो, प्रिय बोलो और विचार कर बोलो। सत्य बोलने से पहले विचार जरूरी है साहब, कब बोलना है, कैसे बोलना है, ये विचार। ये जो जीव है ना, ये बड़ी कमाल की है। इसी जीव से आपको माला भी पहनाई जाती है और इसी जीव से आपको गालियां भी पड़ती हैं। हमारी जिह्वा जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मुलायम होती है, इसमें हड्डी नहीं होती, बिल्कुल मुलायम। लेकिन ये जीव यदि चाह ले तो सारी हड्डियां जरूर तुड़वा देती है, ऐसी खतरनाक भी है ये। सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो, विचार कर बोलो, कब बोलना है, कैसे बोलना है और क्या बोलना है, ऐसा विचार जरूरी। तो सत्यमय आचरण जिनका है, हनुमान जी महाराज के द्वार पर उनका प्रवेश है भगवान के मंदिर में, वही जा सकते हैं जिसके भीतर सत्यमय आचरण हो। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा दिनु पैसारे। बगैर हनुमान जी की आज्ञा के,
राम के चरणों में प्रवेश नहीं हो, तो हमारे भीतर ईर्ष्या न हो। दूसरी बात, हमारे भीतर सत्य का आचरण हो। और तीसरा सूत्र संतों ने बताया, हमारी दृष्टि पवित्र हो, हमारी आंखें पवित्र हो। भगवान राम के सामने सीता जी के अलावा कोई भी स्त्री आए तो या तो माँ की तरह देखा, या बेटी की तरह देखा, या तो अपनी बहन की तरह देखा। और रावण स्त्री लोलुप था। किसी ने मुझे एक बार प्रश्न किया था कि रावण के पुतले हम क्यों जलाते हैं, दशहरा में क्यों रावण जलाया जाता, आज भी जलाया जा रहा है। रावण को गए कितने युग बीत गए, हाँ, लेकिन आज भी लोग रावण के पुतले जलाते हैं क्यों। यदि विचार किया जाए तो रावण हमसे कई मामले में बहुत आगे था। हम लोग भगवान शंकर पर एक लोटा जल भी नहीं चढ़ा पाते हैं, रावण ने 10 बार अपना सिर काटकर भोलेनाथ को चढ़ा दिया, तो कितना बड़ा भगत था वो, भक्ति उसकी पूर्ण थी। हम लोग एक देवता को बुलाते हैं, आवाहयामि स्थापयामि आवाहयामि स्थापयामि, बार बार बुलाने पर भी देवता आते नहीं, और आते भी है तो पता भी नहीं चलता है। और रावण के यहां वो सारे देवता ड्यूटी देते थे, कितना प्रभाव था रावण का। ब्रह्मा जी तो सुबह सुबह रावण के दरवाजे पर बैठकर वेद पाठ करते थे, उनकी ड्यूटी थी ब्रह्मा जी की। और पता है रावण के दरबार का कर्मचारी एक छोटा सदस्य कभी कभी ब्रह्मा जी को डांट देता था, ए ब्रह्मा जी बंद करो वेद पाठ, मालिक साहब सो रहे हैं। शिशुपाल वध नाम का एक ग्रंथ है, एक छोटी सी पुस्तिका है, उसमें ऐसी कथा आती है कि जब रावण सीता जी का अपहरण करके लाया ना, तो बहुत थक गया था तो सो रहा था, और ब्रह्मा जी की ड्यूटी थी सुबह सुबह वेद पाठ करने की। तो ब्रह्मा जी आए और दरवाजे पर बैठे और वेद की पुस्तक निकाली, पढ़ना शुरू कर दिया, तो रावण के दरवाजे पर रहने वाला द्वारपाल उसने ब्रह्मा जी को डांट लगा दिया, ब्रह्मन्नध्यन शनि समय तुष्णिम वैस्थीयता, बंद करो ये वेद पाठ, मेरे मालिक इस वक्त सो रहे। क्या प्रभाव था रावण का। कैलाश पर्वत उठाया उसने, और इतना प्रभावशाली जिसके लिए खुद भगवान को अवतरित होना पड़ा उसको मारने के लिए। हम लोग तो मौत के भय से कितना कितना अपने आप को बचाते रहते हैं, प्रोटेक्ट करते रहते हैं। रावण ने काल को अपनी सीढ़ी बना रखा था, उसके ऊपर पैर रख करके बैठता था रावण, कितना महिमामंत। फिर भी रावण के पुतले जलाए जाते हैं क्यों, केवल एक ही कारण था, रावण स्त्री लोलुप था, चरित्र उसका आचरण ठीक न था। राम जी के सामने कोई भी स्त्री आई सीता जी के अलावा तो माँ बहन या बेटी की तरह देखा, और रावण स्त्री लोलुप था। और ऐसे जो आचरणहीन लोग हैं, वर्ष में एक बार नहीं 2 बार भी पुतले जलाए जाएं तो कम होते हैं, क्योंकि हमारे धर्म में चरित्रवान की पूजा होती है, चरित्रहीन की नहीं। जो चरित्रहीन है उसकी पूजा नहीं होती। तो जिसकी दृष्टि पवित्र हो, दुनिया को जो पवित्र भाव से देखता हो, भाई जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, कहावत है कि आपकी दृष्टि जैसी होगी आपको दुनिया वैसी दिखाई देगी। आपकी दृष्टि पॉजिटिव है तो दुनिया आपको अच्छी दिखाई देगी, और आपकी दृष्टि में ही नकारात्मकता भरी है, नेगेटिव भरा हुआ है, तो संसार भी आपको सब गलत ही दिखाई देगा। अब एक फूल को देखकर संत भी देखें, कोई वैज्ञानिक उसको देखें, कोई सांसारिक देखे, तो तीनों के देखने में अलग अलग फर्क होगा। कोई वैज्ञानिक उस फूल को देख करके अपने विज्ञान को याद करता है कि इतना सुंदर कैसे खिला,
इसमें कौन सा बीज है, कौन सी खाद पड़ी है, कितना पानी डाला गया होगा, कैसा मौसम में ये खिला, वो सारा विज्ञान याद करने लग जाता है। सांसारिक कोई व्यक्ति उस फूल को देखता है तो अपने प्रियतमा को याद करता है कि इतना सुंदर फूल अपनी पत्नी को दूं अथवा तो प्रियतमा को दूं, और कोई संत उसी फूल को देखता है तो उसको भगवान की याद आती है कि आह ये फूल इतना सुंदर है तो बनाने वाला मेरा भगवान कितना सुंदर होगा। तीनों की दृष्टि अलग होती है, तो जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। राम दर्शन करना है तो हमारी दृष्टि की पवित्रता चाहिए, हमारी दृष्टि पवित्र होनी चाहिए। इसलिए हनुमान जी महाराज पहले चेक करते हैं कि क्या तुम्हारी दृष्टि पवित्र है। कुदृष्टि करने वाला राम दर्शन का अधिकारी नहीं होता है। हमारी आंखों में यदि पवित्रता नहीं है, सात्विकता नहीं है, तो हम राम दर्शन से वंचित रह जाते हैं। मंदिर में भी पहुंच करके राम दर्शन नहीं कर पाते हैं हम। भगवान की मूर्ति तो दिखाई देती है, भगवान दिखाई नहीं देते हैं। मूर्ति तो अलग दिखाई देती है भाई, लेकिन मूर्ति में जो प्रभु हैं वो प्रभु कहाँ दिखाई देते हैं।